गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के नए मामलों के मिलने का क्रम जारी है। शुक्रवार यानी 5 जून को भी नए मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को आए टेस्ट नतीजों में गाजीपुर जिले के 2 शख्स कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल ये दोनों ही क्वारंटाइन सेंटर पर हैं। कोरोना संक्रमण के इन दोनों ही मरीजों की लोकल ट्रैवल हिस्ट्री भी निकलकर सामने आई है। ये मरीज 28 और 29 मई को ट्रेन से पहले क्रमशः गोंडा और गोरखपुर आए थे। इसके बाद इन दोनों ने गोंडा और गोरखपुर से बस से गाजीपुर जिले तक का सफर तय किया था। अब चिंता इस बात की है कि इनके संपर्क में कौन आया। इन दोनों मरीज के मिलने से गाजीपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 154 हो गई है। हालांकि एक्टिव मरीजों की संख्या 86 ही है। इससे पहले गाजीपुर में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के कुल 21 नए मामले सामने आए थे। यूपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार ने भी अपना एक्शन तेज कर दिया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए यह जरूरी है कि सभी लोग पूरी सावधानी बरतें। कोविड-19 से होने वाली मृत्यु की दर को प्रत्येक दशा में कम रखने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि मेडिकल टीम को पूर्ण समर्पण से काम करना होगा। यूपी सीएम ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अस्पतालों में डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ नियमित राउंड लें, मरीजों को सुपाच्य तथा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए, साफ सफाई के उत्तम प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। सीएम ने निर्देश दिया कि स्क्रीनिंग में स्वस्थ पाए गए कामगारों श्रमिकों को राशन किट उपलब्ध कराते हुए होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाए। उन्होंने गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद और बुलंदशहर में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन जनपदों में ज्यादा संख्या में कामगार या श्रमिक आए हैं वहां विशेष पूल टेस्टिंग की व्यवस्था हो। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।